हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर सीमा गुप्ता, स्त्री एंड प्रसूति रोग के विशेषज्ञ एट जयपुर दूरबीन हॉस्पिटल। आज हम एक बहुत ही कॉमन टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं। आज का टॉपिक है कि नॉर्मल डिलीवरी को आसान बनाने के क्या क्या टिप्स है। हर कोई पेशेंट प्रेगनेंसी में यही पूछता है कि मैडम मेरा नॉर्मल डिलीवरी कैसा होगा, कुछ ऐसे टिप्स बता दो कि जिससे मेरा का नॉर्मल डिलीवरी हो जाए। तो नॉर्मल डिलीवरी के लिए ये नहीं कि आपको आखिरी 9वें महीने में ही ट्राई करना है। आपको नॉर्मल डिलीवरी को आसान बनाने के लिए प्रेगनेंसी की स्टार्टिंग से ही ध्यान रखना है। तो सबसे पहला टिप्स है कि जैसे ही आपको प्रेगनेंसी का पता चलता है, अपने गायनेकोलॉजिस्ट से तुरंत संपर्क करें। आपको जैसे ही प्रेगनेंसी का पता चलता है तो अपने डॉक्टर के पास जाएं। जैसे आपको डॉक्टर बोलते हैं कि भाई आप दिखाने आने, अब ये टेस्ट होने हैं, तो वो उनकी राय को फॉलो करें। ये नहीं कि आप डॉक्टर को अब दिखाने गए फिर उसके 2 महीने बाद दिखाने अपनी मर्जी से जाएंगे। डॉक्टर का जैसा फॉलोअप बताता है वैसे ही आपको करना है। जो टेस्ट बताते हैं, जो राय देते हैं, वो सब आपको फॉलो करनी है। दूसरा टिप्स है कि एडुकेट डाइट। प्रेगनेंसी में एक डाइट बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ है। भाई जैसा हम डाइट लेंगे वैसा ही हमारा शरीर रहेगा। तो प्रेगनेंसी में हमें एक्स्ट्रा 300 कैलोरी एक्स्ट्रा चाहिए होती है। जैसे प्रेगनेंसी से पहले जितनी आपको कैलोरीज चाहिए थी, प्रेगनेंसी में आपको 300 कैलोरीज एक्स्ट्रा चाहिए। ये नहीं कि सब ये कहते कि हाँ अब आपको डबल डोज चाहिएगा, आपको डबल खाना खाना है माँ और बच्चे के हिसाब से, ऐसा नहीं है। आपको सिर्फ 300 कैलोरीज ही एक्स्ट्रा और लेनी है। तो आपको खाने में ये नहीं है कि आप कुछ भी खा ले, आपको आपका जो खाना है वो एकदम लाइट होना चाहिए, पचने वाला होना चाहिए कि भाई आसानी से जो पच जाए, न्यूट्रिशियस होना चाहिए, प्रोटीन रिच होना चाहिए, आयरन रिच होना चाहिए और कैल्शियम रिच होना चाहिए, सारे मिनरल्स और विटामिन रिच होना चाहिए। तो आपका जो प्रेगनेंसी में खाना है वो एक बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान रखता है। तो आपको प्रेगनेंसी में खाना आपका मेन है कि इसमें आपको क्या क्या खाना है। तो आपको अपने डॉक्टर जैसे आपको बताते हैं, डाइट चार्ट देते हैं, उसको आपको फॉलो करना है। प्रेगनेंसी में हमें प्रोटीन 30 ग्राम एक्स्ट्रा खाना चाहिए। जितना आप प्रेगनेंसी से पहले ले रहे थे, प्रेगनेंसी में हमें 30 ग्राम प्रोटीन एक्स्ट्रा चाहिए होता है। तो हमें प्रोटीन रिच फूड्स खाने होते हैं, प्रोटीन रिच चीज़ें जो खानी होती है। इसके अलावा हमें आयरन की टैबलेट्स, कैल्शियम की टैबलेट्स, वो भी जो डॉक्टर ने बताई है, वो रेगुलर लेनी होती है। अब प्रेगनेंसी में हमें हरी सब्जियां खानी होती है, फ्रेश फूड खाने होते हैं, कभी भी पैक फूड नहीं खाने चाहिए। जो सीजनल आ रहे हैं, जो उस मौसम के अनुसार फ्रूट्स हैं, फूड है, वो सब खाने हैं, पैक वाले फूड नहीं खाने होते हमें। अब तीसरा मोस्ट है कि भाई हमें एडुकेट हाइड्रेशन, मतलब आपको कितना पानी पीना है। पानी भी एक हमारे बॉडी का एक बहुत ही महत्वपूर्ण हिस्सा है। तो इसमें हमें पानी में हमें कम से कम 12 से 15 गिलास पानी पीना चाहिए। अगर हम अच्छे से हाइड्रेट रहेंगे तो हमारी बॉडी में अच्छे से स्ट्रेंथन रहेगी। अपने बच्चे के चारों तरफ भी एक पानी का थैली होता है, उसमें भी पर्याप्त मात्रा में पानी रहेगा। तो इसलिए आपको प्रेगनेंसी में ज़्यादा से ज़्यादा पानी पीना है, लिक्विड चीज़ें ज़्यादा लेनी है, दही, छाछ वगैरह, नींबू पानी, नारियल पानी, आप ये भी ले सकते हैं। नेक्स्ट हमारा पॉइंट है कि वेट गेन। प्रेगनेंसी में वेट गेन आप कितना होना चाहिए, बहुत ही कम पेशेंट्स को पता होता है। सब कहते हैं बस खा लो, हाँ अपना वेट बढ़ाना है बढ़ाना है, लेकिन जो प्रेगनेंसी में नॉर्मल कितना वेट गेन करना है ये बहुत ही कम पेशेंट्स को पता होता है। प्रेगनेंसी में कितना वेट गेन करना है ये डिपेंड करता है कि आपका प्रेगनेंसी से पहले BMI क्या था, मतलब बॉडी मास इंडेक्स क्या था। अगर आप नॉर्मल BMI में आते हो तो प्रेगनेंसी में आपको 11-12 किलो से लेके 16 किलो तक वेट गेन कर सकते हैं। अगर आपका प्रेगनेंसी से पहले आपका BMI ज़्यादा था, मतलब आप ओबेसिटी की कैटेगरी में आते थे, तो आपको जो वेट गेन प्रेगनेंसी में करना है वो 7-8 kg के अराउंड ही करना है। अगर आपका BMI प्रेगनेंसी से पहले कम था, मतलब आपका पतले थे, थोड़े कमज़ोर थे, तो आप प्रेगनेंसी में 18 से 20 किलो तक वेट गेन कर सकते हैं। तो प्रेगनेंसी में वेट गेन अगर आपका ज़्यादा होगा तो इससे आपको नॉर्मल डिलीवरी में परेशानी होगी। इसलिए आपका जितना पहले BMI था उसके अकॉर्डिंग ही आप अपना वेट गेन करिएगा। नेक्स्ट पॉइंट है कि रेस्ट एंड स्लीप। आपको कितना आराम करना है और कितना सोना है। प्रेगनेंसी में ये नहीं कि आप सारे दिन आराम करते रहे, आपको एक्टिव बने रहना है। ये भी नहीं है कि आप पूरी रात जागते रहें, आपको सोना नहीं है। प्रेगनेंसी में दिन में कम से कम 2 घंटे आपको सोना है और रात को 8 घंटे आराम करना है। तो और अपने को टाइम से सोना है और टाइम से उठना, यानी कि आप लेट नाइट तक सो रहे हैं, लेट नाइट में तक जाग रहे हैं, फिर आप उसके बाद सो रहे हैं और सुबह लेट उठ रहे हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए। हमें टाइम से सोना है और टाइम से उठना है, पूरा 8 घंटे का नींद लेना है और दिन में 2 घंटे आराम करना है। अगर आप प्रेगनेंसी में अच्छे से नींद लेंगे, आराम से रहेंगे, तो आप पूरा अपना पूरा आपका दिन पूरा अच्छे से जाएगा, आप एकदम से फ्रेश रहेंगे।
अब नेक्स्ट पॉइंट आता है कि आपको स्ट्रेस फ्री रहना है प्रेगनेंसी में, आपको बिल्कुल तनाव मुक्त रहना है। प्रेगनेंसी कोई बीमारी नहीं है, ये एक नॉर्मल ही स्टेज है, तो आपको इसको एंजॉय करना, ये नहीं कि स्ट्रेस में रहे, हाँ मैं प्रेगनेंट हूँ, मेरे को ये हो जाएगा वो हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं सोचना है आपको। तनाव फ्री रहने के लिए आपको पर्याप्त मात्रा में नींद लेनी है, आप अपने को बिजी रखिएगा, जैसे घर की एक्टिविटीज में बिजी रखिएगा, या आप कोई स्टोरी बुक्स पढ़ सकते हैं, या अपने फैमिली फ्रेंड से किसी मिलने जा सकते हैं, या प्रेगनेंसी से या बेबी से रिलेटेड कुछ बुक्स पढ़ सकते हैं, है ना। तो ये सब आप तनाव फ्री रहने के लिए कर सकते हैं। इस प्रेगनेंसी में बिल्कुल भी तनाव में नहीं रहना, अगर आप तनाव में स्ट्रेस में रहेंगे तो कुछ हॉर्मोन्स रिलीज होते हैं स्ट्रेस में, जो बच्चे को भी नुकसान पहुंचाते हैं। तो प्रेगनेंसी को आप एंजॉय कीजिएगा, उसमें तनाव फ्री रहिएगा, उसको स्ट्रेस में नहीं रहिएगा कि भाई हमें प्रेगनेंसी में स्ट्रेस में रहना है कि हाँ मुझे प्रेगनेंसी अब ये हो जाएगा वो हो जाएगा, तो आपको एकदम तनाव मुक्त रहना है, उसको एंजॉय करना है। अब हमारा लास्ट और मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि एक्सरसाइज। प्रेगनेंसी में ये नहीं है कि नॉर्मल डिलीवरी के लिए आप 9वें महीने में एक्सरसाइज स्टार्ट करें, प्रेगनेंसी में आपको स्टार्टिंग से ही अपना थोड़ा एक्टिव रहना है, थोड़ा एक्सरसाइज जो होती है जो थ्रू आउट द प्रेगनेंसी आप कर सकते हैं, आप डेली मॉर्निंग वॉक आप डेली कर सकते हैं, कम से कम 20 से 30 मिनट का होना चाहिए, या आप इसको थोड़ा और एक्सटेंड कर सकते हैं, तो भी आप अपनी कंफर्टेबिलिटी के अकॉर्डिंग एक्सटेंड कर सकते हैं। इसके अलावा सेकेंड है आप ब्रीदिंग एक्सरसाइज में गहरी गहरी सांस लेना, फिर उसको छोड़ना, जिसको प्राणायाम कहते हैं, तो ब्रीदिंग एक्सरसाइज से अपने में लंग्स में ऑक्सीजन जाता है, अपने में ऑक्सीजन अच्छे से जाएगा तो बच्चे को भी ऑक्सीजनेशन अच्छा होगा, तो बच्चा स्ट्रेस फ्री रहेगा। तीसरा होता है कि आपको पैल्विक फ्लोर की एक्सरसाइज, पैल्विक फ्लोर की एक्सरसाइज हम एक हमारे पहले के एक सेशन में डिस्कस कर चुके हैं, हमारा जयपुर दूरबीन पे यूट्यूब चैनल पे हमने डाला हुआ है कि प्रेगनेंसी में कौन कौन सी पैल्विक फ्लोर एक्सरसाइज करनी चाहिए, अब वो आप उस पर देख सकते हैं, पर थोड़ा बहुत मैं आपको बता देती हूँ कि आपको और क्या क्या एक्सरसाइज करनी चाहिए पैल्विक फ्लोर में। कीगल एक्सरसाइज होती है जो पैल्विक मसल्स को मजबूत बनाती है, नीचे की मसल्स को थोड़ा रिलैक्स रखती है, नीचे की नॉर्मल डिलीवरी के लिए हमें नीचे का रास्ता थोड़ा रिलैक्स रखना होगा ताकि बच्चा उसके अंदर से गुजर सके, नीचे की जो हमारी पैल्विक गर्डल की हड्डी होगी वो थोड़ा रिलैक्स होकर थोड़ा सा दूर होती है ताकि बच्चे के लिए रास्ता बन सके। तो इसके लिए हमारी कुछ कुछ स्क्वैटिंग पोजिशन में हमें 9th मंथ में रहना है, और मलासन जैसे हम कर सकते हैं वो एक्सरसाइज कर सकते हैं। इसके अलावा कैट एंड काउ पोज होता है वो हम कर सकते हैं कि जैसे हमारे इस पोजिशन में चलना, तो ये कुछ एक्सरसाइज होती है जो हम नॉर्मल डिलीवरी के लिए हम कर सकते हैं। जैसे हमारी दादी नानी बताती है कि भाई बैठ के पोछा लगाना है जिसमें हमारा स्क्वैटिंग पोजीशन बनता है, तो इसके से क्या होता है कि जो नीचे की मसल्स होती है वो स्ट्रांग होती है, रिलैक्स होती है, और नीचे का जो रास्ता है पैल्विक गर्डल है वो उसके में थोड़ा रास्ता बनता है ताकि बच्चा उसके अंदर से आसानी से गुजर जाए। तो इसके अलावा और भी बहुत सारी एक्सरसाइज है जो हमारे आप हमारे पहले वाले YouTube पे जो एक योगा का सेशन है उसमें आप देख सकते हैं। तो पैल्विक एक्सरसाइज एक बहुत ही महत्वपूर्ण वो है नॉर्मल डिलीवरी में हेल्प करने में, जो आपको करनी चाहिए। आज की वीडियो में तो आपने देखा कि भाई नॉर्मल डिलीवरी को आसान बनाने के क्या क्या टिप्स है, तो आप अगर आप इन हमारे 7 टिप्स को फॉलो करेंगे तो आपका नॉर्मल डिलीवरी में बहुत ही आसानी रहेगा, हेल्पफुल रहेगा। तो आज का वीडियो अगर आपको हमारा इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो लाइक कीजिएगा और अपने फैमिली और फ्रेंड में ज़रूर शेयर कीजिएगा। अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। धन्यवाद।